नक्सलबाड़ी के हाथीघिसा में एक व्यक्ति की मौत के बाद इलाके में तनाव का माहौल देखा गया। स्थानीय लोग सुबह से ही पथावरोध और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बुरी बेरहमी से उसको मारा गया। सबको मारते मारते चार दस लड़का लोग मारते मारते यहाँ तक लेके उसको छोड़ दिया मारे। और हम जब उसको लेके हॉस्पिटल गया, उन्होंने खुद हमारे हाथ को पकड़ के बोला कि मेरे परिवार को देखरेख करना, क्योंकि मैं नहीं बचूंगा। लेकिन पुलिस अभी तक वो लोग को नहीं पकड़ा है। वो अकेले तो नहीं मारा है, उसके साथ और भी था, कोई भी अभी तक उसको नहीं पकड़ा है। बताया गया है कि मंगलवार रात को सुधीर नागासिया नामक एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ नक्सलबाड़ी अस्पताल की ओर जा रहे थे। आरोप है कि उस समय नशे की हालत में एक युवक ने उनके वाहन को रोककर उन्हें बुरी तरह पीटा। बाद में स्थानीय लोगों ने उन्हें नक्सलबाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां से व्यक्ति को उत्तरबंगा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजा गया, जहां व्यक्ति की मौत हो गई। इधर घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने रात में ही नक्सलबाड़ी थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद घटना को लेकर आज सुबह इलाके में तनाव का माहौल देखा गया। लोगों ने नक्सलबाड़ी के हाथीघिसा में सड़क जाम कर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कई घरों में तोड़फोड़ कर घर को आग के हवाले कर दिया गया। उनकी मांग है कि इस घटना में शामिल लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो उन लोगों का पथावरोध जारी रहेगा। इधर खबर मिलते ही जिला पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सलबाड़ी के BDO अरिंदम मंडल, सिलीगुड़ी महकमा परिषद के सभाधिपति अध्यक्ष अरुण घोष समेत प्रशासन के अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। हम लोग के पास फोन आया कि एक भाई को, हम लोग का गांव का भाई को मार के मेडिकल में डेथ हो गया। तो हम पूरा फोन उन करने के बाद पता चला कि वो भैया का घर तो यहीं पर है, सामने सेरेन स्कूल के सामने यही रास्ता है। तो ये रास्ता जा रहे थे भैया शाम के टाइम में, तो उसको बोला कि तुम इधर से गाड़ी लेके क्यों जाता है टोल टैक्स बचाने के चक्कर में। तो भैया से उसी समय थोड़ा धक्का धक्की हो गया। धक्का धक्की होने के बाद वो भैया को सब कोई मारते मारते चार दस लड़का लोग मारते मारते यहाँ तक लेके उसको छोड़ दिया मारे। और जब उसको हॉस्पिटल ले गया तो सुना कि मरा हुआ है, लेकिन पुलिस अभी तक वो लोग को नहीं पकड़ा है। हम लोग का यही डिमांड है कि पूरा गांव देखा है मारते हुए, उसका एक छोटा बच्चा गाड़ी में था, गाड़ी के अंदर था, और पूरा गांव देखा है मारते हुए। वो बेचारा का डेथ हो गया है भैया का, हम लोग चाहते हैं पूरा गाँव को शास्ति दे, नहीं तो आज हम लोग पूरा 12 घंटा बंद रखेगा। और प्रशासन से हम लोग का तो उतना उम्मीद नहीं, क्योंकि प्रशासन वो लोग को प्रोटेस्ट कर रहा है, हम लोग को विरोध में आ रहा है अभी। हम लोग चाहते हैं पूरा गाँव को शास्ति मिले। सुबह से ही हम लोग रोड स्ट्राइक किया है, रात से ही हम लोग का परेशान है। रात 11 बजे कॉल आया, रात भर हम लोग नहीं सोया है सुन के ही। हम लोग चाहते हैं पूरा गांव को शास्ति मिले, पूरा गांव देखा है ये गांव, एक जन का नहीं मारा है। वहां पर डॉक्टर ने भी बोला है कि इसको बहुत बुरी तरह से मारा गया है, डॉक्टर ने बोला खुद। जो भैया गया था, रमील भैया गया था, वो बोला कि पूरा बुरी तरह से मारा गया है भैया को, जिसका नाम है, मारने वाला का नाम है सुधीर नागासिया। सात से लेके 7:30 बजे का घटना है। तो हमारा वो अपना ही आदमी है, मेरा मिसेस का दीदी का हस्बैंड है। हम भी यही रास्ता से जा रहा था, थोड़ा बीच में हम लोग मुलाकात हुआ। हम बोला आप कहाँ जा रहे हैं, तो बोला उसका नाम, मेरा नाम है रामेल उराव, और जो मर गया उसका नाम सुधीर नागासिया है। हम लोग बीच में मिला था गाँव से थोड़ा बाहर में, वो आ रहा था, हम जा रहा था, तो अपना बच्चा को लेकर, 4 साल का बच्चा को लेकर क्लिनिक आ रहा था, क्योंकि उसका बच्चा का टन्सिल हुआ था। टन्सिल होने के बाद में जब रेलवे ट्रैक जो गेट के सामने आया, तो यहाँ का जो एक आदमी है जिसका नाम है राधा राय, वो रास्ता के बीच में था, तो उन्होंने बोला कि रास्ता साइड हो जाओ, बोला, लेकिन वो दादागिरी दिखने लगा। बाद उसको बोला कि साइड हो, साइड ही नहीं हो रहा है। उस समय उतर के उसके साइड हुए ना, गाड़ी लेके जा रहा हूँ बच्चा को हॉस्पिटल दिखाने के लिए। बाद में उसके उनको हाथापाई करने लगा। हाथापाई करने के बाद में वो तो मेरा जो भैया था, जो सुधीर नागासिया, वो अकेले था और बच्चा को गाड़ी में बैठाया था। उसके बाद क्या किया, उनको बुरी बेरहमी से उसको मारा गया। बेरहमी से मार के उनको, गाँव वाला भी देखा, सब लोग देखा वहाँ पर, अभी बोल रहे हैं हम लोग कुछ नहीं देखा बोल के बोल रहे हैं। और हम जब उसको लेके हॉस्पिटल गया, उन्होंने खुद हमारे हाथ को पकड़ के बोला कि मेरे परिवार को देखरेख करना, क्योंकि मैं नहीं बचूंगा, मुझे बहुत जोर से वो लोग मार दिया है, पूरा छाती तरफ से, छाती में पूरा बहुत बेजोर से मार दिया, इसलिए बोल के बोला। और वो पूरा ऐसे करते करते मेरे हाथ में दम छोड़ दिया। देखिए वो जब मर गया, लेकिन अभी देखो वो आदमी, अभी बीते 7 से 7:30 बजे की घटना है, लेकिन अभी तक जो आदमी ने मर्डर किया, वो आदमी तक अभी तक पकड़ाया नहीं गया है। और भी था, वो अकेले तो नहीं मारा है, उसके साथ और भी था, कोई भी अभी तक उसको नहीं पकड़ा है। हाँ, हमने रात को FIR भी किया है उनको।
वो तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो मारा है, जो मर्डर किया वो लोग, तो अभी तक कोई किसी को पता नहीं है। एक्चुअली देखिए, ये रास्ता ब्लॉक करने के केवल आज का घटना नहीं है, क्योंकि ये गांव में हम देखते हैं हमारे दीदी बहन लोग बेटी लोग जाते हैं यही रास्ते में, कई समय वो लोग छेड़छाड़ करते हैं, कभी देखते हैं रास्ता के साइड में वो लोग दुकान लगा देते हैं, कई बार एक्सीडेंट भी हुआ है इसके चलते। और उसके बाद जो हम लोग जो रास्ता है उसको बहुत ही छोटा कर दिया है, जो हम लोग उधर का जो विजयनगर बालाझारू जो जाने वाले गाँव आदमी लोग, हम लोग को जाने के लिए बहुत समस्या हो रहा है और बहुत सारे ऐसे समस्या यहाँ पर गुजर चुका है। इसलिए आज हम लोग हमारा यही कर्तव्य है कि जो चीज़ हो रहा है, जैसे अभी जो टूल टैक्स बचाने के चक्कर में कितना गाड़ी इधर से प्राइवेट रास्ता में जा रहे हैं, वो लोग पॉकेट रास्ता में जा रहे हैं, उसके वजह से भी हमारे घर में कभी कभी गाय गोरू का भी समस्या हो रहा है, कितनों का गाय गोरू का एक्सीडेंट होकर पैर टूट गया है। ये सब जब ये रास्ता में जो गाड़ी चल रहा है इसके विषय में तो गवर्नमेंट को तो इसके बारे में करना चाहिए जांच पड़ताल, क्योंकि टूल टैक्स के और नहीं जाके वो लोग पॉकेट रास्ता में क्यों जाएंगे। यही जो पास के गाँव की गाँव ही है, जो मुड़ी बस्ती गाँव है, यही गाँव है नहीं, उसको तो हम लोग नहीं समझते उन लोग का क्या इंटेंशन है। हम लोग जो हमारे जो लिखा गया है उसके अनुसार सब डिमांड पूरा होना चाहिए, और हमारा कहना ये है वो जब लिखित ही होगा तो अपने आईडी प्रूफ के साथ वो लोग साइन करके हमको देना पड़ेगा पूरा गांव वाला। शाम तक यदि पुलिस नहीं पकड़ता है तो हम लोग का ये चलते रहेगा, चलेगा अगर यदि, और हमारा डिमांड यदि पूरा नहीं होगा तो ये चलते रहेगा।